ओके सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं अपनी फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से एडिट करना, सो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की फ़ोटो को कैसे कुछ इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। सो गाइज बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं, और आप भी अपनी खुद की फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से सिर्फ 2 मिनट में एडिट कर सकते हैं। सो गाइज उसके लिए आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले का नाम है पिक्सआर्ट और दूसरे का नाम है लाइटरूम। दोनों एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको चलना पड़ेगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, वहाँ पे एडिट करेंगे और लाइटरूम में करेंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस फोटो को आप 2 मिनट में एडिट कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट में, और पिक्सआर्ट में ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैकग्राउंड को मैंने खुद बनाया है और आप इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको दूसरा वाला ऑप्शन है ऐड फोटो का। ऐड फोटो पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए जो आप इसी पोज में फ़ोटो को क्लिक कराए हुए हैं। सो गाइज मैं इस बैकग्राउंड को पहले से इरेज कर लिया था, इस फ़ोटो की बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके और आपका भी। सो मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, और सेट करने के बाद अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ पे लेयर पैनल पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर लूँगा, और यहाँ पे होल्ड करके इसको मैं बीच में कर लूँगा। बीच में करने के बाद इसको हम यहाँ पे फ़ोटो का शैडो बनाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं साइज़ को 50% रखिएगा, और ओपासिटी को भी 50% के आसपास, जो इसका हार्डनेस है इसको 1%। और यहाँ से सेट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो के साइड में नीचे शैडो बना लीजिए, परछाई, ताकि लगे कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल रियल है, आपकी फ़ोटो फेक ना लगे। सो गाइस मैं परछाई बना चुका हूँ, और आपको यहाँ से फिर पे लेयर पैनल में जाके इसको मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद एक और एम्प्टी लेयर लूँगा, और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी एक हेयर PNG सेट करूँगा। सो गाइस मैं इसको पहले ही बना के रख लिया था। अगर आपको हेयर PNG नहीं बनाने आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको हेयर PNG कैसे एडिट करते हैं सिखा दूंगा। सो गाइज मैं हेयर PNG को लगा लेता हूं अपने हेयर पे। उसके बाद यहां से आपको करना क्या है आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा। आपको यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फ़ोटो को सेव कर लीजिए और ओपन कर लीजिए लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गाइज यहाँ पर ऑल फ़ोटो पर सेलेक्ट करके आप अपनी खुद की फ़ोटो जो एडिट किया है पिक्सआर्ट में उसको ढूँढ लीजिए। ढूँढने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम करना है, यहाँ से कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना है, और हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, शैडो को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, आप देखते जाइए, वाइट को बढ़ा लेते हैं, ब्लैक्स को कम कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे कलर टैब में, यहाँ से जो इसका ह्यू है, टेम्परेचर को माइनस करेंगे, इसके वाइब्रेंस को प्लस में करेंगे 21 के आसपास। जो दूसरा वाला है यहाँ पे रेड कलर, इसको माइनस करेंगे। ध्यान से देखिएगा कलर कलेक्शन कर रहे हैं हम अपनी फ़ोटो का। यहाँ पे इसकी लुमिनस को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद येलो कलर में जाएंगे और इसके ह्यू को माइनस करेंगे, -31 के आसपास। उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे इसके सेचुरेशन को भी छेड़ लेते हैं। उसके बाद ग्रीन में जाके ह्यू को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कलर पर जाके इसके भी ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसके लुमिनस को भी थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद ब्लू कलर में जाके जो इसका ह्यू है इसको छोड़ देते हैं, जो इसका सेचुरेशन है इसको इंक्रीज कर लेते हैं 20 के आसपास। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टूल पे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जो इसका क्लैरिटी है इसको इंक्रीज करेंगे 36 के आसपास, जो इसका विग्नेट है इसको माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा मिड पॉइंट, इसको भी हम छेड़ लेते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कहाँ पे सही आ रहा है। सो गाइज आप देखते जाना वीडियो को ध्यान से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हाईलाइट को भी छेड़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमारी फ़ोटो बिल्कुल HD में एडिट हो रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारी पहले फ़ोटो कैसी थी पिक्सआर्ट में, और यहाँ पे लाइटरूम में हम लोग एडिट करके कलर कलेक्शन करके कुछ इस प्रकार का एडिट कर दिए हैं। देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है। सो गाइज अगर आप इस फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं
तो यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। आपकी फ़ोटो बिल्कुल HD में सेव हो जाएगी आपके फ़ोन मेमोरी में। सो गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना यार। सो आप देख सकते हैं जो हमारी फ़ोटो है बिल्कुल HD में एडिट हुई है। सो गाइस, मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए।